हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानसिंह राठौर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मेरे चैनल के द्वारा आपको आईटीआई जॉब और आईटीआई अप्रेंटिसशिप और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जो भी जानकारी होती है तो वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, जब मैं आपको कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ और जब मैं आपको खास करके मैं सुजुकी मोटर गुजरात के बारे में बताता हूँ, उसका कोई भी कैंपस होता है तो वहीं पर आपको एक हिंट के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कंपनी में मैंने खुद भी काम किया हुआ है, तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर, अभी भी आप इस कंपनी में काम करते हो या फिर आपने इस कंपनी को छोड़ दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं उस कंपनी में काम नहीं करता हूँ और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया है और मैंने वहाँ पर रिजाइन दिया था। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने उस कंपनी को रिजाइन क्यों दिया था। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो सुजुकी मोटर गुजरात कंपनी है तो वो आईटीआई स्टूडेंट का सिलेक्शन करती है और उनको वो सबसे पहले वहाँ पर 7 महीने काम करवाती है। और जब वहाँ पर आपके 7 महीने अच्छे से पूरे हो जाते हैं और वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है तो वो अच्छा रहता है, तब कंपनियाँ जाके आपको प्रमोट करती है। फिर कंपनी आपको CT1, CT2, CT3, CT मतलब की कंपनी ट्रेनिंग, CT1 मतलब कि दोस्तों फिर आपको कंपनी 1 साल के लिए रखेगी, CT2 में भी कंपनी आपको 1 साल के लिए रखेगी और CT3 में भी कंपनी आपको 1 साल के लिए रखेगी। फिर जाके आपको इसी तरीके से प्रमोशन वहाँ पर होता जाएगा और उसके बाद कंपनी आपको परमानेंट कर सकती है। तो मैंने इस कंपनी को सबसे पहले ज्वाइन किया था और कंपनी मुझे 7 महीने के लिए ले गई थी। तो दोस्तों, जब मेरे वहाँ पर 3 महीने हो गए थे, उसके बाद मुझे वहाँ पर एक मैसेज आया, एक मेल आया कि आपका जो सिलेक्शन है तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कोटा के लिए हुआ है और आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप, मुझे वहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया गया था और उस मैसेज में लिखा था कि आपको यहाँ पर इतने तारीख को रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जाना है। तो दोस्तों, जब मैं सुजुकी मोटर गुजरात को जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है तो वो मैं रेलवे अप्रेंटिसशिप कोटा में करवा चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा रेलवे अप्रेंटिसशिप कोटा के लिए सिलेक्शन हो गया था और फिर मुझे वो ज्वाइन करने के लिए जाना था। लेकिन दोस्तों, एक पल को मैं सोच भी रहा था कि अप्रेंटिसशिप की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पहले थी लेकिन अब उतनी नहीं है, तो मैं रेलवे अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन ना करूं। लेकिन दोस्तों, मैं जो सुजुकी कंपनी में मुझे जो काम करने के लिए मिला था तो वो काम बाकी काम से थोड़ा सा हार्ड था, जो कि मुझे वहाँ पे फास्ट करना होता था, तो मैं उस काम में को करते करते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब कि यहाँ से मुझे 4 महीने मेरे वहाँ पर और बचे थे, क्योंकि 3 तो हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब यहाँ से मैं चला जाऊँ और मैं रेलवे अप्रेंटिसशिप को कर लूँ और वहाँ पर मुझे आगे का जो काम है तो वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सुजुकी मोटर गुजरात को मैंने रिजाइन कर दिया। अगर दोस्तों सुजुकी कंपनी में मुझे जो काम मिला था तो वो काम थोड़ा सा इजी होता और उसको मैं आसानी से कर पाता तो शायद मैं रेलवे अप्रेंटिसशिप को करने के लिए मैं वहाँ पर रिजाइन नहीं करता और मैं उसी कंपनी में काम करता 7 महीने तक। उसके बाद फिर कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो मुझे आगे प्रमोट करती या फिर नहीं भी करती। तो दोस्तों, मुझे वहाँ पर क्या काम करना पड़ रहा था और मुझे वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका लिंक है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि वहाँ पर क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि दोस्तों, मैंने सुजुकी मोटर गुजरात को छोड़कर और फिर मैं कोटा आ गया और कोटा में भी मैंने रेलवे अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे कुछ लॉसेस है तो वो लगे। फिर उसके बाद ना तो मैंने सुजुकी में थे सो सुजुकी कंपनी से तो मैंने रिजाइन दे ही दिया था और उसके बाद मैंने फिर रेलवे अप्रेंटिसशिप कोटा को भी नहीं किया। रेलवे अप्रेंटिसशिप मैंने कोटा क्यों नहीं किया, इसका भी मैंने एक वीडियो है तो वो बनाया हुआ था, तो उसका भी लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से जान सकते हो कि दोनों चीज़ें ही मैंने क्योंकि उसके बाद दोस्तों मैं बहुत सारा भी मैं कहीं का नहीं रहा, वो बोलते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का या ना घाट का। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहा, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर मैंने अपना जो बिजनेस है तो वो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने जो ऑनलाइन जो MP ऑनलाइन की दुकान होती है तो वो मैंने घर पर आकर फिर खोल ली थी, तो अभी दोस्तों मैंने उसको ही बंद कर दिया है और फिलहाल मैं यूट्यूब पर आने के लिए सोच रहा हूँ। इसके लिए मेरे 2 चैनल हैं तो दोनों ही चैनल को अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने ITI किया हुआ है और मैं अपना जो करियर है तो मैं यूट्यूब पर बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आप हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो दूसरा चैनल है तो उसी चैनल पर मैंने बताया है कि मैंने रेलवे अप्रेंटिसशिप को क्यों नहीं किया है, तो उस चैनल पर जाकर भी आप मेरे चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।